आमतौर पर पुलिस को लेकर आम आदमी के विचार अच्छे नहीं होते, लेकिन पुलिस के पीछे एक और चेहरा होता है। यही चेहरा देखने को मिला सुरी क्षेत्र में, जहां एक सब इंस्पेक्टर ने गरीब बच्चों को न सिर्फ टिफिन बांटे बल्कि उनको बिस्कुट भी प्रदान किए। जहां एक तरफ पुलिस की छवि समाज में एक अलग स्थान बनाए हुए है, वहीं देहात क्षेत्र के रहने वाले लोग भले ही पुलिस के पास बैठने और बात करने से डरते हों, लेकिन पुलिस महकमे में आज भी बड़े दिल वाले पुलिसकर्मी मौजूद हैं, जो आगे आकर अपने खर्च पर समाज की सेवा करने में कभी पीछे नहीं रहते। थाना सुरीर के उप निरीक्षक दीपक नागर के नेतृत्व में कांस्टेबल गौरव, अनुज और रोहित ने सोमवार को सुरीर के एक सरकारी विद्यालय में गरीब बच्चों को लंच बॉक्स के साथ बिस्किट, टॉफी और केले वितरित किए। इससे पूरी टीम ने समाज में ये दिखाने की कोशिश की कि पुलिस भी समाज सेवा में और गरीबों की सहायता करने में कहीं भी पीछे नहीं है। आपका? सर, मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा, शिक्षा में तुम, इसी में समाज शिक्षा में तुम। जी, क्या कार्यक्रम हुआ था सर यहाँ पर आज? यहाँ पुलिस के कार्यक्रम, पुलिस द्वारा जो मुहिम चलाई गई, जो बच्चों में बहुत बड़ा उत्साहवर्धन हुआ है, उन्होंने जो टिफिन बांट के टॉफी, केला आदि चीजें बांटने के बच्चों में बहुत बड़ा उत्साह हुआ है, जिससे कि एडमिशन के लिए भी बच्चों के माता पिता प्रोत्साहित हो रहे हैं कि भाई आगामी समय में भी ऐसा ही कार्यक्रम चला तो जो है बच्चों को यहीं पर भेजा, ताकि लोग जो बड़े लोग भी यहाँ पर आकर के देख रहे हैं, प्रशासन भी देखता है विद्यालयों को, इसलिए जो है बड़ा उत्साह लगा है, अभिभावक भी जुड़ रहे हैं इससे। जो कितने बच्चों को टिफिन वितरण किया होगा? तकरीबन 150 बच्चों को टिफिन वितरित हो गया था। आपको कैसा लगा ये? हमें तो सब बहुत अच्छा लगा है, इस तरह से अगर आते रहे तो बच्चे और माँ बापों में बहुत बड़ी जागरूकता फैलेगी, प्राइवेट स्कूलों से उनका जो है भाव जो कम होगा कुछ जो है।